पहले हमने वीडियो लिया गणपति बप्पा के मंदिर में और अब हम आ चुके हैं शिव जी के मंदिर में। तो चले मंदिर दिखाता हूँ। आगे का इंटरफेस कुछ इस तरह का है और यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी है, पीने का पानी। ये मौसी का लड़का, राम राम सबको, सगड़े राम राम माजा सगड़े जनते ले राम राम। तो जय हिंद यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग वीडियो और सभी को राम राम। तो भाई आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं बड़े भाई के साथ और आज हम आए हुए हैं मामा के गांव को। तो थोड़ा गांव के बाहर आए हैं हम, यहाँ पे श्री सिद्धिविनायक गणपति बप्पा का मंदिर है। तो यहाँ पे हमने दर्शन ले लिया है और फिलहाल यहाँ से वीडियो शुरू किया है। हमारे पीछे हनुमान जी का मंदिर है फिलहाल और गणपति बप्पा का मंदिर उधर है, तो मैं आगे दिखाता हूँ। और हमने यहाँ पे एक बार व्लॉग लिया है। तो देखो हमारे श्री हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे। और भाइयों ये जो मंदिर है ना, ये रोड को लक्की है, यहाँ से रोड जाता है और ये मंदिर। और यहाँ पे ये पेड़ जो थे ना, मतलब पहले छोटे छोटे थे और अब देखो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं भाई। और सन भी सेट हो चुका है। चलो आपको गणपति मंदिर दिखाते हैं। चलो गणपति बप्पा का मंदिर दिखाते हैं आपको। और भाई यहाँ पे आज जो बारिश हुई है ना, क्या ही बताए, बिन मौसम बरसात हो गई है आज। पर अच्छा वातावरण हो गया है, सुबह गर्मी पड़ रही थी लेकिन अब ठंडा ठंडा लग रहा है। अब बढ़िया ठंडा हो चुका है वातावरण। तो आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे है और यहाँ से आगे, और हमने यहाँ पे दर्शन भी ले लिया है फिलहाल, पर आपको दिखाने के लिए फिर से चलते हैं। तो भाइयों अभी आप देख सकते हो बाहर से मंदिर कुछ इस तरह का दिखता है। और यहाँ पे एक खास बात कि यहाँ पे बढ़िया बढ़िया पेड़ है और पेड़ों की वजह से भाई और भी शोभा बढ़ जाती है। और ये है रोड मंदिर के आगे, गणपति बप्पा का वाहन मूषक जी है यहाँ पे। और अंदर अभी हम आ चुके हैं मंदिर में, ये देख सकते हो गणपति बप्पा की मूर्ति कुछ इस तरह की है। और हमने दर्शन तो ले लिया था वैसे, बट आपको दिखाने के लिए हम फिर से आ चुके हैं। तो चलिए बाहर से, और अंधेरा भी हो रहा है अभी। और ऐसा कहते हैं कि मंदिर से निकलते वक्त ऐसा उल्टा चलना चाहिए, भगवान जी को पीठ ना दिखे ऐसे। तो भाइयों जब हम पिछली बार यहाँ पे आए थे ना, तो ये वाला टीन शेड नहीं था, अब मस्त बना दिया है। तो अभी चलते हैं मंदिर के ऊपर, यहाँ से दरवाज़ा खोल के देखो यहाँ पे मस्त सीढ़ियाँ बनाई हुई है। तो देखो हम ऊपर आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ये कितनी शानदार हवा चल रही है, ऐसे नज़ारा भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आपने ये नज़ारे तो देखे होंगे लेकिन हमने जगह तो बताई नहीं। ये रिसोर्ट के पास पड़ता है मोठे गांव में, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मतलब इसको अभी रिनोवेट किया है, बनाया गया है। बाकी मूर्ति की जो स्थापना थी बहुत ही पहले से थी यहाँ पे। देखो मैं आपको इसके ऊपर भी चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बताता हूँ, इससे आप ऊपर ऊपर चढ़ सकते हैं, ऊपर ऊपर लगे हुए हैं तो आप ऊपर भी जा सकते हैं मंदिर के, यहाँ पर स्पीकर वगैरह लगा है पर वैसे तो क्यों ही जाएँ अपन। तो भाइयों हम आए हुए थे बहुत देर से यहाँ पे, मत दर्शन ले लिया, बाद में ब्लॉग भी लिया, आपको दिखाया कैसा है यहाँ पे। और फिलहाल शाम हो रही है इसलिए वीडियो अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही हो रहा है। और भाई चलिए अभी चलते हैं घर पे, मतलब मामा के घर पे चलते हैं अभी। तो भाइयों मैंने ये तो बता दिया ये हमारा बड़ा भाई है, बट ये नहीं बताया कि किसका लड़का है। तो ये हमारी मौसी का लड़का है और हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। पिछली बार मैं यहाँ पर आया था, मतलब मामा के गाँव में, और भाई मेरे को पता नहीं था कि ये, मतलब ये भी आए हुए थे और मैं इनको सरप्राइज कर रहा था, बट ये चले गए उसी दिन और मैं यहाँ पे आ गया और ये दूसरे गांव को चले गए। तो ऐसा पिछली बार हुआ था, तो इस बार पूरा प्लानिंग से आए हुए हैं हम। इस बार हमने इनको ही सरप्राइज दे दिया आके। हाँ और आ गए यहाँ पे, देखा तो अच्छा वातावरण है, यहाँ पे मंदिर आए हैं। और मेरा थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, अपना मराठी में थोड़ा प्रॉब्लम है और मैं थोड़ा ज़्यादा हिंदी बोलता हूँ। हाँ उनकी तरफ, मतलब ये इंदौर में रहते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर हिंदी बोली जाते हैं। तो हाँ ये बात है, चलिए अभी बहुत ज़्यादा बकवास कर ली है मैंने और इनसे भी मिला दिया, तो चलिए भाई घर पे चलते हैं मामा के, ये मैंने पहले बता दिया था, तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मामा की गाड़ी लाई थी, हीरो स्प्लेंडर। तो भाई अभी हम यहाँ से निकलने ही वाले थे और हमारी गाड़ी का एक गियर अटक गया है, मतलब गियर उतर ही नहीं रहा भाई। तो देखो गाड़ी का प्रॉब्लम हो चुका है कुछ, तो ये गियर मतलब न्यूट्रल हो ही नहीं रही है गाड़ी, तो ये दिक्कत आ चुकी है, देखते हैं क्या होता है। तो और अंधेरा भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा।
तो गाइस फाइनली हमारी गड्डी शुरू हो चुकी है, जो कि न्यूट्रल नहीं हो रही थी और हमने देसी जुगाड़ लगा के शुरू कर दी है जैसे वैसे। तो धक्का देके, वैसे तो भाई ने धक्का दिया और डायरेक्ट गियर से गियर लगा, मतलब गियर में होती है, न्यूट्रल ही नहीं हो रही थी गाड़ी, लेकिन जैसे तैसे करी, तीसरे गियर पे डाल के धक्का लगाया क्लच दबा के और गड्डी शुरू हो चुकी। अभी शुरू हो चुकी है गाड़ी। तो भाई, जो हमने दो दिन पहले वीडियो लिया था गणपति बाप्पा के मंदिर में, और बीच में एक भी वीडियो नहीं लिया जैसे कि आपने देखा ही, सीधा हमने अब स्टार्ट किया है बाद में वीडियो। और फिलहाल हम आ चुके हैं, मेरी आता का घर है यहाँ पे चिंसाम्बा पेन, और यहाँ पे भी हम मंदिर में आ चुके हैं। पहले हमने वीडियो लिया गणपति बाप्पा के मंदिर में और अब हम आ चुके हैं शिव जी के मंदिर में। तो चले मंदिर दिखाता हूँ, और यहीं पे एक आश्रम भी है इसके पीछे, तो चले पूरा दिखाता हूँ। हमने वैसे तो दर्शन ले ही लिया है पहले, बट आपको दिखाने के लिए फिर से एक बार चलिए। तो भाई अभी आप देख सकते हो वहाँ पे गाँव है, दूर दिख रहा होगा कि नहीं क्या पता, बट वो गाँव है वहाँ पे। और गाँव से थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे पहाड़ पे है ये मंदिर, तो देखो यहाँ से नीचे से आना पड़ता है और आगे से दिखा दो मैं। तो अभी देखो भाइयों, आगे का इंटरफेस कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे दो पेड़ है छोटे छोटे केले के, और यहाँ से अंदर जाते हुए ये नंदी जी, और फिलहाल ये दरवाजा बंद कर दिया था हमने, फिर से खोलते हैं। और देखो भाई कितनी बढ़िया शिवजी की पिंड है, मतलब शिवजी का शिवलिंग कितना बढ़िया है, और पूजा भी की हुई है यहाँ पे। तो चलो आपको मंदिर दिखा दिया, अभी ये दरवाजे करते हैं बंद, और फिलहाल आश्रम दिखाता हूँ मैं इसके पीछे से जो है वो। तो चलो पहले ये बंद कर देते हैं। तो अभी बैक साइड से आ चुके हैं मंदिर के, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया आश्रम किया हुआ है, यहाँ पे शेड, टीन शेड लगाया हुआ है, और ये देखो कितना बड़ा है भाई, एकदम बढ़िया से कार्यक्रम हो सकते हैं यहाँ पे कोई भी। और यहाँ पे ये है आश्रम जहाँ पे महाराज जी रहते हैं, हम तो उनको पहचानते नहीं, बट वो भी नहीं है फिलहाल, ताला लगा हुआ है, कहीं बाहर गए होंगे। और देखो आगे से आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ये आश्रम है बढ़िया सा, और भगवान जी के फोटो भी है यहाँ पे। यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी है, पीने का पानी देखो बढ़िया होगा, ठंडा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा है गाइस। तो भाई यहाँ का पानी पी लिया, एकदम बढ़िया, एकदम ठंडा पानी है, और यहाँ पे मस्त हवा भी चल रही है क्योंकि पहाड़ के ऊपर है ना ये, तो भाई हवा तो एकदम बढ़िया है यहाँ पे, और यहाँ का वातावरण भी एकदम मस्त है, थोड़ी थोड़ी धूप भी है क्योंकि गर्मियों के दिन है अब। तो भाई अभी हम तीनों आ गए थे यहाँ पे, तुषार भाऊ जिनके साथ हमने पहले तो वीडियो लिया है, इनके बारे में बता दिया है, ये मौसी का लड़का, राम राम सबको, सगड़े राम राम माजा सगड़े जनते ले राम राम। और ये है हमारे अज्जू भाई, वो वाले नहीं ये वाले, बड़ी मौसी का लड़का है हमारी। तो अभी आप देख सकते हो इनके साथ हम आ चुके हैं, और वो हमारे तुषार बहू वहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ पे आ जाए, और जाते लेकिन वहाँ पे ऊन लग रहा है उनको यहाँ पे धूप लग रही है, तो उनको बुला लिया है यहाँ पे एक फ्रेम में आने के लिए। तो देखो कुछ कहना चाहते हो भाइयों? क्या बोले अब, इनके चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो बस। नहीं भाई, लाइक सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा, कर ही देंगे लोग, बट आप कुछ कहना चाहते हो? मस्त है यहाँ पे जगह, हम आए थे अभी यहाँ पे, देखा हमने, दर्शन लिए वगैरह, मस्त जगह है यहाँ पे, मठ है महाराज का वो भी घूम के आ गए हम, बहुत बेस्ट जगह है भाई, तुम भी कभी आओ तो यहाँ पे विजिट करो। हाँ जगह तो वैसे दिखाई दी आपको बढ़िया है, और हवा भी क्या ही बताए, हवा तो बढ़िया ही है। तो चलिए भाई अभी यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है।
और यहाँ की सीढ़ी आप देख सकते हो, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए कुछ इस तरह की है बढ़िया सी। और ये इस साइड से मंदिर कुछ इस तरह का है। चलिए अभी निकलते हैं, बहुत ज्यादा धूप हो रही है। तो भाई हमने ये वाली गाड़ी लाई थी और अभी इस पे चलते हैं तीनों। उत्तर है लेकिन बांधते हम, लेकिन धूप हमसे भी बड़ी हुई। धूप ज्यादा है, बहुत ज्यादा धूप। वो जादू नहीं है जो धूप को खा सके। चार्जिंग बढ़ते हैं धूप से, इसलिए हम अब निकल रहे हैं। चलो ठीक है, बाय 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 टाटा। चलो भाई अभी रास्ते में निकल चुके हैं और मंदिर से भी नीचे आ गए हैं हम। देखो यार लोग सारे व्यूअर को ये सुन रहे हैं कि सब पैसे वेस्ट है। वेस्ट रास्ता ऊपर से अगर दिखाता ना तो आप खुश हो जाती, लेकिन अब नीचे आ चुके हैं और आगे का रास्ता भी आपको दिखा दो। हमको हम आ रहा है लेकिन पूछने के लिए रुमाल नहीं है भाई। आपको लगता होगा कि हमने ऊपर क्यों बांधा भाई, बहुत धूप है, बहुत धूप है, इसलिए पता है। और अब कहेंगे कर रखेंगे यहाँ पे अकेले दर, थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। हम सोच रहे हैं कि मिसल पाव खाए, मतलब महाराष्ट्र में बहुत अच्छी है। और एक दाल बाटी की भी है वहाँ पर, वहाँ पर देखो ये बहुत टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत ही अच्छा मंदिर है। चलो जल्दी से। और अगर आपको जगह पसंद नहीं आए तो हमारे मुंह पे थूकने का। तो भैया अभी गांव से हम आ चुके हैं और वहां पे खाना खा लिया था और फिलहाल रुके हैं रसवंती पिए गन्ने का जूस पीने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो आप ही निकालना शुरू है और हम यहां पे फिलहाल बैठ चुके हैं। तो अभी फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे, मामा के घर पे। काय बोलायचं पहिले सांगून, काही नाही मनात जे आलं ते, नाही तर स्क्रिप्टेड होते ते पूर्ण। ते काय नाही, ते फक्त असं दाखवते मग मानसिक वाद होते।